Now, today we will talk about stress and types of stress. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि सोम का मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस ग्रुप पे जाके आप अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं और विद इन 24 आवर्स आपके सॉल्यूशन आपके मिल जाएंगे। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में भी जाके पूछ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होती है? जब हम एक्सटर्नल लोडिंग करते हैं मटेरियल के ऊपर तो उसमें इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्सेस लगते हैं जो रोकते हैं बॉडी को एक्सपेंड या कंप्रेस होने से। ये मेरी एक बॉडी है, इस पर मैंने लोडिंग करी, मीन्स एक फोर्स लगाया तो ये एक्सपेंड होगी, बट इसमें एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होगा जो इस बॉडी को एक्सपेंड होने से रोकेगा। और जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होगा वो आपका एक्सटर्नल लोडिंग के इक्वल होगा। सो न्यूमेरिकली इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। जो आपका इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होगा पर यूनिट एरिया वो आपकी स्ट्रेस कहलाएगी। स्ट्रेस आपकी टू टाइप्स की होती है, फर्स्ट वन इज नॉर्मल स्ट्रेस, सेकेंड इज शेयर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस होती है आपकी सिग्मा से डिनोट करते हैं, शेयर स्ट्रेस को आप गामा से डिनोट करते हैं। आइए देखते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस है और इनका डेफिनेशन क्या है। सो नॉर्मल स्ट्रेस आप डिनोट करते हैं सिग्मा से। नॉर्मल स्ट्रेस में क्या होता है, एक जैसे कि ये मेरी बॉडी है, इस पर मैंने लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लगाया और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है पी। इसमें क्या होगा, एक मैंने सेक्शन ले लिया, इस सेक्शन पे, बॉडी के इस सेक्शन पे कुछ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होंगे, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स को मैं आर से डिनोट करता हूँ, जो कि आपके इस सरफेस पे भी लगेंगे और इधर भी लग रहे होंगे आर ना। अब इस बॉडी को मैंने कट करा और यहाँ पे मैंने शो करा है, तो ये आपका इस सरफेस पे रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा है आर। ये अगर मेरा पोर्शन ए है, ये पोर्शन बी है, तो ये मैंने पोर्शन ए बनाया है। इधर मेरा पी फोर्स लग रहा है और न्यूमेरिकली जो आपका एक्सटर्नल फोर्स है वो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स के इक्वल होता है। सो पी इज इक्वल्स टू आर। बट नोट डाउन करने की इधर एक बात है कि जो आपका एक्सटर्नल लोडिंग है वो एक पॉइंट पे लगती है, बॉडी के एक पॉइंट पे लगती है, बट इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स आपके होल एरिया पे लगता है, पूरे इस सेक्शन पे लगेगा, होल एरिया पे। और सिग्मा आपका स्ट्रेस होता है रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया यहाँ पे कौन सा लिया जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर ये मेरी लेंथ एल है और ये बी है, ये डी है, तो यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया आपका, बी इंटू डी। सो दिस इज रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय बी इंटू डी। आपकी स्ट्रेस की यूनिट देख लेते हैं। स्ट्रेस की यूनिट होती है, फोर्स आपका होता है न्यूटन में और एरिया होता है आपका मीटर स्क्वायर में। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है आपकी स्ट्रेस की वैल्यू, स्ट्रेस की यूनिट। और वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपको पता है 1 पास्कल के इक्वल होता है। एंड 1 मेगा पास्कल, 1 मेगा पास्कल के अंदर 10^6 पास्कल्स होते हैं, इसको MPa कह देते हैं शॉर्ट में। एंड 1 GPa, 1 GPa में आपके 10^9 पास्कल्स होते हैं और 1 GPa में आपके 10^3 MPa होते हैं। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यूनिट कन्वर्जेंस बहुत काम आते हैं, तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं शेयर स्ट्रेस की। शेयर स्ट्रेस को हम टाउ से डिनोट करते हैं। शेयर स्ट्रेस आपके जो पैरेलल सेक्शन है, जैसे कि ये मैंने शेयर फोर्स लगाया, ये मैंने फोर्स लगाया पी, तो अब मेरा जो शेयर फोर्स होगा, एक मैंने सेक्शन ले लिया है इधर, एक्स एक्स डैश ए सेक्शन ले लिया,
तो मेरा शेयर फोर्स ऐसे इधर लग रहा होगा। ये जो रेजिस्टिंग फोर्स है इसी को शेयर फोर्स भी कहते हैं, ये मेरा रेजिस्टिंग फोर्स है ओके। और ये यहाँ पे बॉटम है तो ये इधर भी आपका इस डायरेक्शन में शेयर फोर्स लग रहा है। तो ये आपका जो रेजिस्टिंग फोर्स होगा इसको और थोड़ा क्लियरली देखते हैं, ये मेरा अप्लाइड फोर्स है पी। तो ये अप्लाइड फोर्स है ये मेरा इस सरफेस पे लग रहा है ओके, मतलब पैरेलल टू द सरफेस लग रहा है। अगर मेरा अप्लाइड फोर्स पैरेलल टू सरफेस है तो उसको मैं शियर स्ट्रेस कहता हूँ। जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो मेरी शियर स्ट्रेस होगी। और अगर मेरा जो फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट है तो वो मेरी नॉर्मल स्ट्रेस होती है ओके। आई थिंक डिफरेंस इज क्लियर टू यू। अब मेरी ये सेक्शन ले लिया मैंने, इधर मेरा रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा है आर, सिंपली ये मेरी एल है, ये मेरी बी है, ये मेरी डी है। तो इधर का एरिया क्या हो गया, ये वाला एरिया, दिस एरिया विल बी लेंथ इनटू विड्थ। सो शियर स्ट्रेस इज टाउ, टाउ इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया, दिस इज एल इनटू बी। एंड यूनिट्स आपकी इसकी सेम रहती हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीन्स पास्कल ही रहेगी ओके। दिस इज ऑल अबाउट शियर स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस। आई थिंक